हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी सीने नहीं पैरों में विक्स लगाने से जल्द ठीक होती है सर्दी। फ्रेंड्स, जब आपको खांसी या अस्थमा की शिकायत होती है तो इसके लिए आप अपने घर में रखे विक्स का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, लेकिन इसके प्रयोग से इन समस्याओं से आराम भी मिलता है। इसीलिए सर्दी और नजला के लक्षण दिखाई देने पर विक्स को खासतौर पर छाती पर लगाते हैं, लेकिन जिससे शरीर को आराम तो मिलता ही है, साथ ही रात में नींद भी अच्छी आती है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि विक्स को शरीर के दूसरे हिस्सों में लगाया जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि विक्स को सीने में रगड़ने के बजाय यदि पैर के तलवों में ठीक तरह से मालिश किया जाए तो खांसी जुकाम से जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। रात को सोने से पहले इसे लगाने के बाद सुबह आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। विक्स सर्दी जुकाम से छुटकारा दिलाता है या नहीं, इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोगों ने इस बात का दावा किया है कि पैर के तलवों में लगाने का ये तरीका खांसी, अस्थमा, सर्दी जुकाम में कारगर होता है। इसके इलाज के लिए विक्स को सोने से पहले पैर में मालिश किया जाता है। इसके बाद मोजे पहनना ज़रूरी है, जिससे विक्स का असर रात भर रहे। आपको बता दें कि इस तथ्य में कोई नयापन नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें 2007 में भी सामने आई थी, जो कि खूब प्रचारित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि मेथोलेटेड क्रीम को सोने से पहले पैरों में लगाया जाए तो इससे सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। ऐसे ही विक्स भी एक मेथोलेटेड क्रीम है। कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार के ट्रीटमेंट को सही नहीं मानते हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि विक्स का इस्तेमाल सर्दी खांसी से छुटकारा दिलाता है। ये नुस्खा आमतौर पर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद माना गया है। वहीं मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये घरेलू नुस्खा कुछ समस्याओं से निजात दिलाता है, जैसे कि तनाव को कम करना, खांसी और अस्थमा जैसी समस्याएं होना पर तनाव होता है। इस तरह की बेचैनी को इस नुस्खे से दूर किया जा सकता है। दरअसल ये नुस्खा केवल शुरुआती लक्षणों में ही प्रयोग किया जाए तो ठीक रहता है। इसे संपूर्ण इलाज नहीं माना जा सकता है। खासतौर से बच्चों पर प्रयोग करने से पहले सावधानी बरतना ज़रूरी है। खांसी जुकाम की समस्या कई दिनों की हो तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।